Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. And we are going to continue. Chapter number 2 is Matter Around Us Pure. Today we are going to discuss step by step. Article number 2.3.5 is the dye in black. Ink is a single color. And second point is 2.3.6. How can we separate a mixture of the two miscible liquid with the reference of activity 2.7 and 2.8 respectively. So please open your textbook and see the page number 21. We are going to perform activity number 2.7. So first of all, are you ready? Now take a thin strip of the filter paper. Ek filter paper ka aapko thin strips lena hai. Draw a line on it using a pencil. इस पर पेंसिल की हेल्प लेते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. अप्रोक्सीमेट ये लाइन 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज होनी चाहिए. नीचे की जो एज है उससे 3 सेंटीमीटर एबो आपको ड्रॉ करनी है. पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोल्यूबल दैट इज, और इसके बाद आपको वाटर सोल्यूबल ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स इसमें इंक के प्योर करने हैं फ्रॉम द स्केच पेन और फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन या स्केच पेन लेते हुए आपको एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक इसके अंदर ड्रॉप करना है. एट द सेंटर ऑफ द लाइन एंड लेट इट ड्राई, और इसके बाद इसे ड्राई करना है. लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार और ग्लास और बीकर और टेस्ट ट्यूब कंटेन वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एज शोन इन द फिगर. इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लेना है और उस फिल्टर पेपर इनटू अ जार इसके अंदर आपको ड्रॉप करना है. जार ले सकते हो या ग्लास या बिकर या टेस्ट ट्यूब का यूज़ कर सकते हो. एंड ड्रॉप ऑफ द इंक ऑन द पेपर, और पेपर पर आपको इंक ड्रॉप करना है इज जस्ट अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल के ऊपर आपको रखना है एज शोन इन द फिगर एंड लेवल एंड लीव इट, और इसे छोड़ देना है अनडिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब किए हुए. Now watch carefully. ध्यान से आपको देखना है. As the water rises up on the filter paper, धीरे धीरे फिल्टर पेपर पर पानी ऊपर आता जाएगा. And record the observation. आपको देखना है क्या देखने को मिलता है. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे मन में ऑब्जर्वेशन करते हुए नजर आएंगे. सबसे पहला है, what do you observe on the filter paper as the water rises on it? जब धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ आता है वाटर पेपर में, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया? दूसरा, do you obtain different colors on the filter paper strip? जो फिल्टर पेपर स्ट्रिप आपने ली है, क्या इस पर आप डिफरेंट कलर देख सकते हो? और तीसरा, what according to you can be reason for the rise of the color spot on the paper strip? पेपर स्ट्रिप पर जो कलर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं, ये आपको देखना है. चलो इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. द इंक दैट वी यूज has water as the solvent and the dye is the soluble in it. सबसे पहले हमने पानी लिया था और इसके अंदर soluble किया था ink को, मतलब के dye को. As the water rises on the filter paper, it takes among with the dye particles. तो जब water level इस पर rise हो रहा था filter paper पर, इसके साथ जो dye अंदर include थी उसके dye के particle भी धीरे धीरे rise हो रहे थे. Usually a dye is a mixture of the two or more colors. यहाँ पर जो डाई का इस्तेमाल होता है वो डाई एक या एक से ज़्यादा कलर से बनी हुई होती है. द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, कलर कंपोनेंट है वो ज़्यादा इजीली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. एंड राइज फास्टर एंड दिस वे द कलर गेट द सेपरेटेड, और वो जल्दी से ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर पर आते हैं इसलिए इसे इजीली सेपरेट किया जा सकता है. यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर की प्रोसेस यूज हुई है उस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं. क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं. क्रोमा ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कलर, सबसे पहले कलर को सेपरेशन करने के लिए इसी मेथड का यूज हुआ था. सो नेम वॉज गिवन क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज टू सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट. सेम सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज होता है. विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी
नेवर टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड. शुरू में इसका डेवलपमेंट बहुत नहीं हुआ था, लेकिन अब क्रोमेटोग्राफी का यूज होने लगा है. जनरली ये यूज होता है टू सेपरेट द कलर्स इन द डाई, डाई में से कलर को सेपरेट करने के लिए, या पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, नेचुरल कलर के पिगमेंट्स को अलग करने के लिए. और तीसरा यूज होता है ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स कितना है उसकी अमाउंट को टेस्ट करने के लिए. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दें. एक्चुअली हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, इस एक्टिविटी में अगर जो सिंपल पेपर देखा जाए तो एक फिल्टर पेपर लिया था, उस फिल्टर पेपर पर स्केच पेन या फिर इंक पेन से हमने कुछ ड्रॉप ऑफ इंक इस पर डाले थे. इसके बाद हमने एक बीकर या जार लिया, इसके अंदर थोड़ा पानी लिया था और धीरे धीरे उस फिल्टर पेपर को पानी के नज़दीक में लेकर गए और आखिर में इसे हमने अनडिस्टर्ब कंडीशन में इसे ड्रॉप आउट कर दिया. थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन करते हुए हमें देखने को मिला कि फिल्टर पेपर की तरफ पानी धीरे धीरे रिच करता जा रहा है, ऊपर की तरफ आता है. उसके साथ साथ जो इसके अंदर डाई के कंपोनेंट्स जो डिजोल्व हमने किए थे पानी के अंदर, वो डाई के कंपोनेंट्स एकदम स्मॉल पार्टिकल है, तो वो जल्दी से जल्दी रिच होते हुए ऊपर की तरफ फिल्टर पर जाते हैं. और इस तरह डाई के अंदर जो डिफरेंट कलर्स मिक्सिंग हुए हैं वो यहाँ पर सेपरेट होकर हमारे सामने शो होते हैं. एक्चुअली इस मेथड को क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है. ये टेक्निक का यूज़ होता है खास करके दो सॉल्यूट्स, उस सॉल्यूट्स के लिए दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, एक ही जैसे सॉल्वेंट के अंदर वो इजीली डिजोल्व होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट के लिए इसका यूज़ होता है. जनरली इस मेथड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है डाई में से डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के लिए, या फिर नेचुरल कलर जो हैं इसमें से पिगमेंट को अलग करने के लिए, या फिर हमारे ब्लड में अगर जो ड्रग्स हैं तो उस ड्रग्स को इसे सेपरेट करने के लिए इसका सही इस्तेमाल होता है. एक और मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मेथड है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. टू मिसिबल लिक्विड जब मिक्सचर हो हमारे पास तो इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस थ्रू हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम एक्टिविटी 2.8 को देखेंगे और इसके बाद हमारे मन में उठे कुछ सवालों के जवाब. तो सबसे पहले पेज नंबर 21 पर एक्टिविटी 2.8 में रीड कर रहा हूँ. हाउ कैन वी परफॉर्म एक्टिविटी 2.8. लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर. यहाँ पर जो मिक्सचर दिया गया है इसमें एसीटोन और वाटर दोनों को मिक्स किया गया है. टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद द थर्मोमीटर. फिगर में आप देख सकते हो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया गया है, ऊपर कॉक से इसे सील करते हुए इसके होल में से एक थर्मोमीटर को वहाँ पर फिक्स किया गया है. नाउ अरेंज द अपार्चर्स एज शोन इन द फिगर. अब बाकी के जो अपार्चर्स हैं उसे फिगर में दिखा है इस तरह से अरेंज किया गया है, जैसे कि वाटर कंडेंसर है, क्लैंप लगाए गए हैं, वाटर आउटलेट इसमें दिखाई दे रहा है, कोल्ड वाटर नीचे एक जार में रखा है जहाँ पर एसीटोन हमें कलेक्ट करना है, और क्लैंप थ्रू फ्लास्क को हमने ज्वाइन किया है डिस्टिलेशन फ्लास्क को, और इसके नीचे ट्रिपॉड लगा है और साथ में गैस बर्नर भी है. तो ये है अपार्चर्स इसके. हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के रीडिंग को धीरे धीरे देखते हुए, राइज अप होते हुए देखते हुए धीरे धीरे स्लोली इसे हमें मिक्सचर को हीटिंग देना है. द एसीटोन वेपराइज. इससे क्या होगा कि वाटर और एसीटोन का जो मिक्सचर है इसमें से एसीटोन जल्दी से वेपराइज हो जाएगा एंड कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट. कंडेंसर आउटलेट से इसे हम कंडेंस करते हुए, इसे ठंडा करते हुए वेपर को इसे हम दूसरे आउटलेट हैं इसके अंदर हम कलेक्ट कर सकेंगे. वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क. और आखिर में वाटर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा. एक सिंपल सा प्रोसेस है. यहाँ पर मिक्सचर लिया था एसीटोन और वाटर का, इसे हमने हीटिंग किया और जिस तरह अपार्चर्स लगाए थे कंडेंसर को हमने ज्वाइन किया डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ, थर्मोमीटर लगाया है टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए. जैसे ही उसे मिक्सचर को हीटिंग देंगे सबसे पहले एसीटोन है वो वेपराइज होगा और वेपराइज होकर टेम्परेचर रेज होने के साथ वेपराइज होकर वो कंडेंसर के अंदर दाखिल होगा और वहाँ पर कंडेंस होते हुए इसे कंडेंसर आउटलेट में हम कलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क था इसमें वाटर रिमेनिंग बाकी रह जाएगा अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर के फॉर्म में.
कुछ एक सवाल यहाँ पर रुकते हैं जिसके जवाब भी इस वीडियो में साथ में देखते जाते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग ऑफ द मिक्सचर. मिक्सचर को जब आपने हीटिंग शुरू किया तो आपने क्या देखा. हमने देखा कि एसीटोन है वो पहले वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कॉन्स्टेंट फॉर द सेम टाइम. ऐसा कौन सा टाइम है जब थर्मोमीटर का रीडिंग है बिकम द कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है. एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एंड व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट. क्यों ये दोनों अलग हुए. तो सबसे पहली बात, दिस मेथड इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन. इस मेथड को डिस्टिलेशन मेथड के नाम से जानते हैं. इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के इस्तेमाल होती है. कंटेनिंग टू मिसेबल लिक्विड्स दैट बॉइलिंग विदाउट डिकम्पोजिशन. उसे बॉइल करना है विदाउट डिकम्पोज किए हुए एंड हैव द सफिशेंट डिफरेंस इन दर बॉइलिंग पॉइंट. मिक्सचर के अंदर है दो कंपोनेंट के बीच में सफिशेंट डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट को लेकर. टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच इज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन. यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन के करीब करीब में रहना चाहिए. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इसके लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है. फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेज फ्रॉम द एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर यूज फॉर दिस मेथड. तो पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन के लिए या फिर पेट्रोलियम में से अलग अलग कंपोनेंट्स पेट्रोल डीजल केरोसिन नेफ्था एक्सेट्रा फाइंड आउट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ होता है. इसी मेथड का यूज़ होता है एयर कंपोनेंट है उसे सेपरेट करने के लिए. The apparatus is similar to for the simple distillation, except of the fractional column is fitted in between the distillation flask and condenser. अगर जो fractional distillation process का use करते हो तो apparatus और इसकी जो arrangement है वो same रहती है, लेकिन सिर्फ एक बात इसमें add करनी होती है और वो बात होती है यहाँ पर fractionating column add की जाती है, fit की जाती है flask और condenser के बीच में. A simple fractionating column is a tube packed with the glass bed and bits provide surface of the vapor to cool and condense rapidly. और ये काम करती हैं जो वेपर कन्फर्म हुई है उस वेपर को कंडेंस करने का और इसे कंडेंस करते हुए कूल करते हुए हमें लिक्विड फॉर्म में ये अवेलेबल करवाती है. तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज अभी दो बातें देखी हैं. यहाँ पर फर्स्ट जो हमने देखा था वो था डाई इन द ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर. इसके साथ जुड़ी हुई हमने एक मेथड देखी जिसे क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है. दूसरा हमने देखा सेपरेट मिक्सचर ऑफ द टू मिसेबल लिक्विड्स जो मेथड थी डिस्टिलेशन मेथड. और इसके साथ हमने डिस्कस की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड को. ये पॉइंट यहाँ पर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. आप इन दोनों पॉइंट को रेफर कीजिए और अच्छी तरह से इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और देखेंगे और मेथड्स जिससे हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स हैं इसे सेपरेट कर सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. बाय.